हमारे देश में ऐसी तमाम हस्तियां और विभूतियां हैं जिनके बारे में हम तब जान समझ पाते हैं जब उन पर बायोपिक बनती है। अब तक खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियों पर फिल्में बन चुकी हैं। इसी क्रम में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर कई भाषाओं में बायोपिक रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट फिल्म लेकर आर माधवन आए हैं। इसका लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय भी उन्होंने किया है। कैसी है फिल्म की कहानी? यह इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की बायोपिक फिल्म है, सो जाहिर सी बात है कि यह उनके जीवन पर आधारित है। फिल्म की कहानी में नंबी के वैज्ञानिक बनने, विकास इंजन का आविष्कार करने और आगे चलकर उन पर लगे जासूसी के झूठे आरोप और इससे उनका परिवार दंगे फसाद की चपेट में आकर किस तरह से प्रभावित होता है, वे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं, यही पूरी कहानी है। कहानी की शुरुआत बैकड्रॉप यानी उनके परिवार पर अत्याचार से होती है। यह कहानी बड़े रोचक अंदाज में आर माधवन ने बड़े पर्दे पर उतारी है। माधवन का निर्देशन हो या अभिनय, हर पहलू पर उनकी मेहनत साफ झलकती है। उन्होंने नंबी को पर्दे पर हूबहू दिखाने के लिए न सिर्फ दाढ़ी बाल बढ़ाए हैं बल्कि वजन भी बढ़ाया है। वहीं सिमरन, रजत कपूर, मीशा घोषाल सहित अन्य सह कलाकारों की परफेक्ट कास्टिंग के साथ उनका अभिनय कहीं ओवर नहीं लगता है। नंबी नारायणन के रोल में आर माधवन का इंटरव्यू ले रहे शाहरुख खान भी अपने रोल में खूब जंचते नजर आए। हाँ, यह बात अलग है कि इंटरव्यू लेते समय एकाध जगह उन्होंने आर माधवन की तरफ न देखकर कैमरे की तरफ तांकते हुए सवाल पूछे हैं। फिल्म के आखिर में शाहरुख कुछ सवाल जवाब करते हैं जिसमें स्वयं नंबी नारायणन अपनी भूमिका निभाते नजर आए हैं। यह बात फिल्म के क्लाइमैक्स में जान डाल देती है जो बहुत कम बायोपिक में देखने को मिलती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हो या निर्देशन कमी कहीं नजर नहीं आती। रॉकेट उड़ने जैसे कुछ एक सीन अच्छे बन पड़े हैं जो बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिल्म लंबी होने के बावजूद कहीं बोर नहीं करती। वहीं रही फिल्म में अखरने वाली बात तो सबसे पहले इसके अंग्रेजी डायलॉग हैं। हिंदी फिल्म होने के बावजूद फिल्म का संवाद लगभग 50% अंग्रेजी में है और स्क्रीन पर भी सबटाइटल अंग्रेजी में लिखा आता है। हिंदी ऑडियंस के लिए बनी फिल्म में सबटाइटल भी इंग्लिश में न रखकर हिंदी में रखा जाता, तब चीजों को समझने में दर्शकों को आसानी होती। दरअसल फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म का फर्स्ट हाफ समझ पाना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इंटरवल के पहले फिल्म देखने पर लगता है कि यह कोई अंग्रेजी फिल्म है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहतरीन फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस तरह खुद नंबी नारायणन अपनी मौजूदगी से सरप्राइज करते हैं, उसी तरह प्रेस शो खत्म होने के बाद खुद नंबी नारायणन और आर माधवन पत्रकारों से मिलकर सरप्राइज कर दिया। देशभक्ति से लेकर जज्बा, जुनून और खुद को सच साबित करने के ऐसे संघर्ष भरी कहानियां और बननी चाहिए। देशभक्ति, अपने काम के प्रति जुनून और विज्ञान में रुचि रखने वाले दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघर में देखने जरूर जाएं। कुल मिलाकर फिल्म को 5 स्टार में से 3.5 स्टार दिया जा सकता है।